अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मैथ कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 32 है, टेलीविजन अ न्यू डायमेंशन इन मैथ कम्युनिकेशन। टेलीविजन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफिक इमेज, कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड देन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टू अ डिकोडिंग रिसीवर। हमने सबसे पहले देखा कि रेडियो जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए आप सिर्फ वॉइस को ही सेंड कर सकते थे, इमेजेस नहीं देख सकते थे, सिर्फ वॉइस सुन सकते थे। लेकिन टेलीविजन एक ऐसा प्रोसेसर जिसमें आप फोटोग्राफिक इमेज को कैप्चर करते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप उनके डिकोडिंग रिसीवर के जरिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकें और आवाज के साथ आप उसकी इमेज को भी देख सकें। इन द डिवेल्पर द एवरेज हाउस होल्ड वॉच टेलीविजन फॉर 7 आवर्स पर डे। वो कहते हैं कि जब डिवेल्प की दुनिया में, जब दुनिया डिवेल्प हो चुकी थी, टेलीविजन ईजाद हो चुका था, तो तकरीबन एक घर में टेलीविजन एक दिन में 7 घंटे देखा जाता था। उन्होंने नेक्स्ट बताया कि टेलीविजन एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें आप साउंड को रिसीव कर सकते थे और साथ उसकी इमेज को भी देख सकते थे, और ये एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम था जो कि स्टार्ट हुआ टेलीविजन कैमरा के साथ, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती थी और आप ये सब कुछ, आप इमेज देखते हैं जो तस्वीर के साथ, ये सब कुछ आप कर पाते थे ग्राउंड बेस्ड टावर्स को, केबल्स को, सेटेलाइट को इस्तेमाल करते हुए। ये वो चीजें हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और आपको ये ओरिजिनल पिक्चर्स आपके लिविंग रूम में बैठे नजर आती है। नेक्स्ट ने फिर बताया कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको वॉइस के साथ, आपको साउंड के साथ आवाज भी, सॉरी तस्वीर भी नजर आती है, और एक ग्रेट फन इंडीड है, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। हाउ इट स्टार्टेड, हम देखते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम सिर्फ इतना कर सकते थे कि वॉइस मैसेज किसी को सेंड कर सकते थे या रिसीव कर सकते थे। उसके बाद फिर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बहुत ज्यादा काम करने के बाद रेडियो ईजाद हुआ, जिसे मार्कनी ने ईजाद किया, और ये एक ऐसा इन्वेंटर था जिसके जरिए आप किसी को, हर किसी की खबर हर तरह की दूर दराज से बात कर भी सकते थे और सुन भी सकते थे। इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन इन्वेंट हुआ जिसमें आप आवाज के साथ साथ आप तस्वीर को भी देख सकते थे, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटर को, सॉरी टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा बनाते हुए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बनानी पड़ी जिनकी मदद से ये ईजाद हुआ, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहते हैं इसीलिए इन सब चीजों को, इन सब एप्लीकेशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि टेलीविजन किसी एक इंसान की ईजाद है, बल्कि ये सबकी मेहनत से वजूद में आया। अर्ली डिस्कवरीज, सबसे पहले के अर्ली डिस्कवरीज का मतलब है कि किस तरह टेलीविजन बना। सबसे पहले मतलब डायरेक्ट टेलीविजन तो नहीं बन गया ना, उससे पहले उसके बहुत सारे पार्ट्स बने होंगे, पार्ट्स से पहले बहुत सारी चीजें बनी होंगी जिनसे मिलके पार्ट्स बने होंगे। तो उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले केमिकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स कहा जाता है, वो ईजाद हुए थे जिन्होंने लीड किया टीवी को डिस्कवर करने में। फिर बैरन ने 1817 में एक आइसोलेटेड सिलिनियम ईजाद किया, और लुइस ने डिस्कवर, और लुइस इनके साथ मिलकर ये एक एलिमेंट डिस्कवर किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे ट्यूब ईजाद की 1878 में, और उन्होंने आगे उनकी डिस्कवरीज बताई हैं। पॉल ने 1884 में एक क्रूड, फर्स्ट क्रूड टेलीविजन बनाया था, और फिर 1888 में W. Horvitz ने अप्लाइड की फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, कैमरा से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को अप्लाइड किया, और जिसकी मदद से वो उन्होंने बताया कि किस तरह कैथोड रेज जो हैं वो रिजेंबल्स होती हैं और इमेज को रिसीव करती हैं, और ये काम किया बोरस ने और ए कैंपबेल ने मिलकर किया। ठीक है, बोथ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, लेकिन इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम, इन दोनों ने इससे काम किया है लेकिन इंडिपेंडेंटली किया है 1907 में। आगे भी कुछ उन्हीं की बातें बताई हैं, पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ते हैं टीवी चेंज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टीवी ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को चेंज करके रख दिया। अब हम वो पढ़ते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। टीवी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल था जिसे तब्दीली लाई, जो सोशल कल्चर और इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा तब्दीलियां लेके आया, और ये बहुत ज्यादा तेजी से फैला। 1935 में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इस्तेमाल किया जाता था, तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो उसके बाद फिर जब काम स्टार्ट हुआ उनके, आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये कलर टीवी भी बन गया, वो हम देखेंगे कैसे बना। फिर आगे बताया उनके जवोरिकन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकल कैमरा पेटेंट करवाया, और उसके बाद फिलो थे
और फिलोथियर एलन भी थे जिन्होंने मिलकर, दोनों ने दोनों अमेरिकन हैं और उन्होंने मिलकर एक पिकअप ट्यूब जो थी वो डिवेलप करवाई जो कि होम टेलीविजन रिसीवर बनने के काम आई। फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, अब हम वही पढ़ेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में कैसे टीवी की स्क्रीन कन्वर्ट हुई। द कोलम्बिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जिसे सीबीएस कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले कलर टीवी मुतारिफ करवाया। इन्होंने इनिशियली बहुत से मैकेनिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए ऑल इलेक्ट्रॉनिकल कलर सिस्टम डिवेलप किए और राइवल ब्रॉडकास्ट जो थी वो अपेयर हुई 1940s में। और ये वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वार की वजह से इसका मतलब बहुत स्लो चली, इसका काम ज्यादा नहीं चला। उसके बाद फर्स्ट सीबीएस कलर ब्रॉडकास्ट जो थी वो 25 जून 1951 में शाया की गई। उसके बाद बताया कि जो कमर्शियल कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट थी वो 1954 में हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, और 1954 में ही आरसीए ने इंट्रोड्यूस करवाया 21st कलर टीवी जिसमें तकरीबन 5,000 यूनिट्स बुक थी उसकी एडवर्टाइज करवा के सोल्ड की गई थी। 1950s और 1959 में ये बहुत ही एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड था फॉर टेलीविजन के लिए, और यूएसए और बीएनडब्ल्यू जो था इन्होंने मिलके फिर एक इलेक्ट्रॉनिकल कलर टेलीविजन और एक रिमोट कंट्रोल लॉन्च जो थे वो लॉन्च किए। और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा सम इंटरेस्टिंग स्टाइलिंग चेंजेस आती गई जैसे जैसे मजीद टेक्नोलॉजीज होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में बताया कि जो WW लिमिटेड स्केल टीवी ट्रांसमिशन कंटिन्यू टू 5 पीपल। हाँ, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा कि वर्ल्ड वार में ज्यादातर रेडियो को इस्तेमाल किया जाता था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आर्मी को हेल्प करने के लिए जंग बंदी में, ठीक है। वही इन्होंने बताया कि एक्साइट करने के लिए लोगों को ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की गई। बहुत ज्यादा लोगों ने इसे इस काम को समझा और इस पर यकीन किया और इसे देखा, और जो जंग जीते थे उन्होंने पूरे सिटी को कैसे कंट्रोल किया था, डिफरेंट स्टेजेस को और लॉन्ग फाइट कैसे की, ये सब कुछ दिखाया गया, ठीक है। बाद में मतलब किस तरह जंग जीती गई और किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया मुख्तलिफ सिटीज को, मुख्तलिफ स्टेजेस पर कितने साल लगे और कितनी लंबी फाइटिंग थी, ये सब कुछ टेलीविजन पर दिखाया गया। उसके बाद बताते हैं कि ये इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता कि किस तरह जर्मन को शिकस्त हुई। टीवी प्रोग्राम्स आगे कौन कौन से टीवी प्रोग्राम्स बने, मुख्तलिफ न्यूज पर प्रोग्राम्स बने, म्यूजिक, फिल्म, कॉमेडी शोज, लाइव शोज और स्पोर्ट्स पर। ये थ्री मेन टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, याद करने वाली है। आप इन तीनों का नाम याद करेंगे और इनके आगे जो इनके बारे में बताया गया वो याद करेंगे। NTSC सबसे पहले एक नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी था और जो कि डेवलप हुआ यूएसए में, और इसके अंदर जो ये 1954 में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, और ये 5 to 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर और 60 वर्टिकल लाइंस पर मौजूद था जो कि डिस्प्ले हुआ। सिकैम है जो कि सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पोअर कोलियर एविक मेमोरी कहलाता है, डिवेलप हुआ फ्रांस में, यूज इन 1967 और 625 लाइंस वर्टिकल और 60 लाइंस हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले। आगे बढ़ो, PLF जिसे आप पॉल भी कह सकते हैं, फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, डिवेलपिंग बाय जर्मन इंजीनियर की मदद से ये डिवेलप किया गया सबसे पहले और इजाद हुआ 1963 में। उसकी फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द पावर सिस्टम वाज इन अगस्त 1967, और 625 एंड 60 लाइंस डिस्प्ले, और ये NTSC का अल्टरनेटिव था और इसे नाम दिया गया परफेक्शन एट लास्ट का। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन ट्रांसमिशन। उन्होंने कहा कि जो टेलीविजन के प्रोग्राम थे वो ट्रांसमिट हो गए लाइव में, ठीक है। लाइव में होते थे पहले, जब हमने पढ़ा कि लाइव पहले प्रोग्राम चला करते थे, लेकिन बाद में ऐसा ये देखा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइव प्रोग्राम नहीं देख सकते, क्योंकि लाइव का ये होता है कि आपका एक वक्त फिक्स होता है कि आपने इस वक्त पर लाइव प्रोग्राम आप ला देंगे, लेकिन कुछ लोग अगर उस पर फारिग नहीं होते तो वो क्या करें। उनके लिए फिर वीडियो टेप बनाई गई जिसके जरिए रिकॉर्डिंग की जाती थी, उस पूरी लाइव जो नशर की जा रही है उसकी भी आप रिकॉर्डिंग भी कर लिया करते थे और बाद में से रिपीट किया करते थे उन लोगों के लिए जो उस वक्त नहीं देख सके। आगे लिखा है कि बहुत से जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जो अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीविजन को देखते थे, फिर सिग्नल्स प्रॉब्लम हुआ करते थे क्योंकि हम लोग सिग्नल के लिए एंटीना से इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन एंटीना इतने दूर तक सिग्नल्स नहीं भेज सकते थे, इसकी वजह से केबल टेलीविजन का इस्तेमाल हुआ, और इसी वजह से केबल टेलीविजन इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग इट कैन डिलीवर। और बहुत सारे सिस्टम जो थे वो फिर 100 चैनल्स जो थे वो प्रोवाइड करने लगे, ठीक है, मोर देन 100 चैनल्स की प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करने लगे। और जो केबल टेलीविजन की कंपनीज थी
वो सिग्नल्स को रिसीव करती थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से और फिर अपने सब्सक्राइबर्स को ये सिग्नल सेंड करती थी। फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट वाज अकम्प्लिश्ड बाय सच अ सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट से वो अकम्प्लिश की गई उसका नाम था टेलस्टार और जुलाई 10, 1962 में हुई। और बहुत सारे टेलीविजन के जो व्यूवर्स थे वो स्मॉल सैटेलाइट डिशेस को इस्तेमाल किया करते थे सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं द फ्यूचर। द फ्यूचर ऑफ द टेलीविजन सीम्स ब्राइट, कहते हैं कि हम टेलीविजन के फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट देखते हैं। और जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन है वो वाज डेवलप्ड बाय द जापानीज ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन एंड द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1982। हाई डेफिनेशन टेलीविजन डिवेलप हुई थी जापानीज ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन की मदद से, उनके जरिए उन्होंने डिवेलप की थी और फर्स्ट जब सबसे पहले दफा ये डेमोन्स्ट्रेट हुई थी 1982 में। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के फ्लैट स्क्रीन के एचडी टीवी इस्तेमाल होने लगे थे, क्योंकि ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हो रहा था, टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की कर रही थी और फिर और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई रिसीवर सिग्नल्स को सिग्नल रिसीवर्स के लिए, जिसमें गोल्ड प्लेटेड जैक शामिल है। और फिर एलसीडी इजाद हुई, एलसीडी टेक्नोलॉजी सामने आई जो कि आज हर घर में तकरीबन मौजूद है। और उसके बाद फिर और भी मुख्तलिफ कंप्यूटर चिप एड फंक्शन हुए इसके अंदर, जिसमें चैनल लेबलिंग शामिल है, टाइम एंड डाटा डिस्प्ले, स्वैप एंड फ्रीज मोशन, पेरेंटल चैनल कंट्रोल, टच स्क्रीन एंड रेंज ऑफ चैनल सर्फिंग ऑप्शन, मतलब और भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इजाफा हो गया। आगे वो कहते हैं कि फ्यूचर में एक डिजिटल टेलीविजन बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बन चुके भी हैं, ठीक है। वो डिजिटल टेलीविजन बन जाएंगे जिसके जरिए जिनके कैमरा एक बहुत ही अच्छा इमेज होगा, बहुत ही क्लियर होगा, और अभी बन चुके हैं। और इसके जरिए स्पोर्ट्स कम्युनिकेटर जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, एडिट मूवीज को एडिट किया जा सकेगा और फिर टू वे टीवी भी पॉसिबल हो सकते हैं। और फिर बताया कि किस तरह कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इस तरह की बन जाएगी कि जो आज हम ब्रॉडकास्ट एक टाइम में करते हैं उससे सिक्स गुना दुगनी ब्रॉडकास्टिंग की जाएंगी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए। ये मैं हमारा आज का लेक्चर था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ आएगा। जो मैंने बातें आपको समझाई हैं यही इम्पोर्टेंट हैं, बाकी आप लोग लास्ट में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको मेरे पहले वाले लेक्चर भी पसंद आ रहे हैं तो मेरी वही फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।